गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में करेंगे आगे से। जहाँ तक हमने ज तक किया था, अब आएगा ये ट। क्या आएगा? भी ये आएगा ट। तो ट से होता है टम टम। टम टम का मतलब होता है ये जो ये टांगा गाड़ी कहते हैं हम, मतलब इसको टांगा भी हम कहते हैं। तो ये जो घोड़ा गाड़ी आप लोग दिख रहे हैं, इसको हम टम टम कहते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ट लिखना है ऐसे ट, फिर उसे हॉर्स कार्ट कहते हैं इंग्लिश में। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, ट पहचान कर गोला बनना है। तो आपको जहाँ जहाँ ट लिख रहा है वहाँ आप उसको गोल गोल ऐसे सर्कल करेंगे, जहाँ आपको ट दिख रहा है वहाँ पे। फिर यहाँ पे इसमें आपको कलर करना है और इसको आपको ट अच्छे से लिखना है। फिर यहाँ पे भी नीचे भी आपको गुड हैंड राइटिंग में यहाँ पे आप ट लिखते जाएंगे ऐसे। फिर नेक्स्ट पेज पे है, यहाँ पे देखिए, ये भी आप लोगों को अब तो बहुत ईजी ले आ रहा है। जैसे यहाँ ट है तो टम टम, फिर यहाँ पे है टमाटर। तो यहाँ पे आपको जहाँ पे ये ट, वैसे जो भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे है ये टहनी। तो इसमें आपको ये इसको मैच करवाना है ऐसे। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको जो ट दिख रहा है उसके नीचे आपको ऐसे छोटी सी लाइन करनी है। जहाँ जहाँ आपको ट दिख रहा है वहाँ पे एक छोटी सी लाइन करते जाएंगे ऐसे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ऐसे कि ट से जो अलग वर्ण है उसको आपको ये क्रॉस आउट करना है, जो ट नहीं है उनको आपको ऐसे क्रॉस आउट करना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आप गुड हैंड राइटिंग में ट से टमाटर बोलते जाएंगे और लिखते जाएंगे। ट से टब, फिर ट से टखना। यहाँ पे देखिए ये जो होता है इसे टखना कहते हैं। फिर यहाँ पे है बटन, तो ये ट। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है आपको, जहाँ जहाँ ट आ रहा है उसको आप उसको सर्कल करेंगे। फिर सेम ऐसे ही यहाँ पे फिर आ रहा है ठठेरा, ठ से ठठेरा। तो जो ठठेरा होता है वो जो बर्तनों का काम करता है उसे ठठेरा कहते हैं। तो ये है कॉपर स्मिथ, ये काम कर रहा है। फिर यहाँ पे देखिए जो ठ आ रहा है वहाँ पे आपको ऐसे सर्कल करते जाना है, जहाँ जहाँ ठ आ रहा है। फिर नेक्स्ट में आपको यहाँ पे इसमें ठ में आपको अच्छे से कलर करना है, ये आपको अच्छे से ठ लिखना है। और यहाँ पे गुड हैंड राइटिंग में ऐसे ठ लिखते जाना है आप लोगों को। फिर नेक्स्ट पेज पे ये देखिए, जहाँ पे ठ आ रहा है उसको ऐसे मैच करवाना है। ये रहा, ये है ठग। ठग मतलब वो जो किसी को ठग लेता है वो ऐसे। फिर ये है ठहाका, जोर जोर से हंसना, मतलब ठहाका। ये है ठठेरा और ये है ठेला। तो ये सब ठ हैं। और यहाँ पे भी जहाँ जहाँ ठ आ रहा है वहाँ पे आप एक ऐसी छोटी सी लाइन करते जाएंगे। और यहाँ पे जो ठ नहीं है उनको आपको क्या करना है, ऐसे क्रॉस आउट करना है ये पूरे। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, ये ठहाका, जोर जोर से हंसना, उसको ठहाका कहते हैं। तो आप यहाँ पे ठहाका लिखेंगे। फिर ये है ठग। फिर यहाँ पे ये है गठरी, यहाँ पे ऐसे कोई भी पोटली होती है उसे गठरी कहते हैं। और ये है ठेला। तो ये आप मैंने गुड हैंड राइटिंग से यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे जो ठ ठ आ रहे हैं वह उसमें आप यहाँ पे सर्कल करेंगे। तो आज का आपका हिंदी का ये होमवर्क है, आप अपनी हिंदी की बुक में अच्छे से गुड हैंड राइटिंग में करेंगे। थैंक यू।